सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली स्कॉलरशिप से रिलेटेड। हम ये वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी स्कॉलरशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि देखिए अभी तक आप अगर स्टेटस अपना देख रहे थे तो जो स्टेटस है वो ब्लैंक दिख रहा था। बट अभी एक अच्छी, या हम कहें तो अच्छी अपडेट है कि जो स्टेटस है अब आप अपना देख सकते हैं, ब्लैंक नहीं शो हो रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी जो अभी आपका स्टेटस दिख रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। क्या सस्पेक्ट दिखा रहा है? अगर आपके स्टेटस में ऐसा सस्पेक्ट दिखा रहा है तो क्या स्कॉलरशिप आएगा भी या फिर नहीं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले मैं आपसे भी को बता दूं कि अगर आपको स्कॉलरशिप स्टेटस अपना चेक करने नहीं आता है, कैसे चेक करना है, तो यहां पर देखिए अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिए यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप सर्च करने के बाद आपको यहां पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, क्योंकि आप यूपी डीएलएड करते हो तो यहाँ पर रिन्यूअल लॉगिन पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें थर्ड नंबर पे क्लिक करना है। थर्ड नंबर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, तो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आप वेट कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आपको अपना 2020 और 21 का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। यहाँ पे पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड है। उसके बाद से यहाँ पे जो भी कुछ भी है, जन्मतिथि भरना है, कैप्चा कोड और सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उसके बाद से जो भी आपका डाटा है वो शो होने लगेगा और वहाँ पे होगा, लिखा होगा ग्रीन कलर में कि आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यानी स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। चलिए मैं दिखा देती हूँ। आपके सामने ऐसा पेज, जैसे कि स्टेटस जो कुछ भी है वो शो होने लगेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो कि अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अगर आपके स्टेटस में ऐसा दिख रहा है तो क्या स्कॉलरशिप आएगा या फिर नहीं। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो भी इनका इंस्टीट्यूट से यानी कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, इनका जो अकाउंट बैंक है वो भी वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि इनका डिस्ट्रिक्ट से भी वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो गया है। बट यहाँ पे आप करेंट स्टेटस में दिख रहे हो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 33% फेल्ड बाई स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड देखिए, इसको लेकर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से फाइड हो गया है तो कंफर्म है। यानी देखिए, ये तो एक सिर्फ बहाना दिया गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान ना होना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपका DWO से वेरीफाइड हो गया है तो कंफर्म है कि स्कॉलरशिप आना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका इस तरीके से सस्पेक्ट दिखा रहा है फिर भी उनका स्कॉलरशिप आ गया है, तो फिर आपका भी तो आना चाहिए ना। लेकिन जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि जो बजट है वो खत्म हो चुका है और बजट जैसे ही इसके लिए तैयार किया जाएगा तो स्कॉलरशिप दे दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो यहाँ पे करेंट स्टेटस दिखा रहा है 33% वाला, तो इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जैसे कि एक और हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षु इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसमें आप देख सकते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में बैंक से तो वेरीफाइड हो गया है बट जो UID यानी जो आधार नंबर है वो क्या है, इनवैलिड है। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर भी किया था कि अगर आपके बैंक में आधार लिंक नहीं है तो आप उसको लिंक करवा लीजिए, क्योंकि जब तक बैंक से आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा तब तक स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और देखिए, अगर आपका लिंक भी है तो आप एक बार अपने ब्रांच पे जाइए, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, 100% होगा कि सही हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो करेंट स्टेटस पे एक ना एक प्रॉब्लम यहाँ पे ब्लॉक्ड ड्यू टू रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने सब कुछ जो भी रिजल्ट है वो सही भरने के बावजूद भी यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नॉट डिक्लेयर्ड दिखा रहा है। तो ये भी क्या है, इसको लेकर मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है ना, आपको UID नंबर सही करवा लेना होगा और इसके लिए आपको अपने बैंक पर जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे
बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षुओं को लेकर परेशान से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यहाँ पे रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट DWO से वेरीफाइड हो जाते हैं तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस होते हैं, बट अगर देखिए DWO से ही रिजेक्टेड हो गए हैं तो फिर अब हम आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग झूठ नहीं बोल सकते हैं। बट देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बोला भी था पहले कि आप अपने समाज कल्याण विभाग जाइए और वहाँ से बात कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में समाज कल्याण विभाग होता है, आप वहाँ से बात करिए कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी हमारा स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर हम बात करें ना, तो कॉलेज में भी अगर अगर आपका स्कॉलरशिप आता है तो कॉलेज वाले भी घोटाला कर लेते हैं, ये भी आपको बात मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आप एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए, जो कुछ भी कमी है तो आप सीधे समाज कल्याण विभाग जाइए कि हमारा सब कुछ सही होने के बावजूद भी हमारा स्कॉलरशिप क्यों नहीं आया। फिलहाल यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है तो स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एक बार अगर हो सके तो आप फिर से समाज कल्याण विभाग जाइए और ट्राई कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत सारे प्रशिक्षु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेनिफिश, यहाँ भी जो UID नंबर है वो क्या है, इनवैलिड है। तो जितने भी प्रशिक्षु का इस तरीके से दिख रहा है वो एक बार अपने बैंक अकाउंट से आधार को अच्छे से लिंक, यानी जो कुछ भी है एक बार बैंक में जाकर चेक कर लीजिए, और यहाँ से DWO से वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे करेंट स्टेटस पे दिख रहा है कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो इनका तो 100% कन्फर्म है आएगा। बट सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिक्कत यही होती है कि साफ साफ बोला गया है कि जिन भी प्रशिक्षुओं का बैंक से आधार लिंक नहीं रहेगा उनका स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से DWO से वेरीफाइड हो गया है तो कन्फर्म है आएगा, बट यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में अगर आपका UID नंबर इनवैलिड बता रहा है तो आप इसके लिए बैंक जाना होगा और सब कुछ सही करवा लीजिए। सो फ्रेंड्स मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप कब तक आएंगी, सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर हम आप सभी को जानकारी दें तो अभी जो सूचना मिली है वो यही मिली है कि बजट खत्म हो चुका है, जैसे ही बजट तैयार होता है तो स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और गाइस देखिए साथ में मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि जनरल OBC SC ST जो भी प्रशिक्षु जिनका पूरा अगर पैसा आ गया है तो बहुत बढ़िया, जिन प्रशिक्षुओं का जैसे कि किसी का 17,000 आया किसी का 20,000 आया, तो उनका सवाल ये होता है कि क्या सेकंड जो भी हमारा पैसा है वो आएगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड देखिए इसके लिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि 2,500 आया था, यानी उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट आया था, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है कि जैसे ही बजट तैयार होगा तो जो भी आपका स्कॉलरशिप शेष बचा है वो दे दिया जाए। बट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रशिक्षुओं को देना चाहिए, क्योंकि सभी प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने भी फॉर्म भरा है सब कुछ सही है तो स्कॉलरशिप सबका आना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।